हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में मैं ऑनलाइन टेस्ट पेपर 19AC05 के एस्से का डिस्कशन करूंगी। इसके पहले एक अनाउंसमेंट है, किसी को भी टेस्ट सीरीज रिलेटेड या पेन ड्राइव रिलेटेड जो CAPF कोर्स के लिए अवेलेबल है, आप मुझे सीधे व्हाट्सअप करें या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है। कमेंट सेक्शन में मैं किसी भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का रिप्लाई कर रही हूँ तो वो कमेंट सेक्शन में ऐड नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज है, जिसने भी विद इवैल्यूएशन का टेस्ट पेपर बाय किया है वो अपने आंसर्स मुझे जल्द से जल्द दे, और अगर वो आंसर नहीं लिख पा रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे लिखे, तो वो मुझे ज़रूर से कॉल करें। ठीक है, अगर मैं कॉल रिसीव नहीं करती हूँ तो मैं ज़रूर कॉल बैक करूँगी। और जिसको लिखना नहीं है उनको मॉडल आंसर्स तो चाहिए ही ना, तो वो मुझे मॉडल आंसर्स के लिए एक रिक्वेस्ट मेल जरूर से सेंड करें। इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करूंगी 19AC05 टेस्ट पेपर का, वो मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं उसको शॉर्ट में डिस्कस करूंगी। इस बार 19AC05 में ये 6 ऐसे पूछे गए थे। अब मैं इन 6 ऐसों को डिस्कस तो करूंगी मगर बहुत ब्रीफली डिस्कस करूंगी, जिसमें मेरा फोकस रहेगा इंट्रोडक्शन पर, उसी एसे के सेकेंड पैराग्राफ पे और कंक्लूजन पे। हालांकि मैं स्क्रीन पे पूरा का पूरा एसे दिखाऊंगी, और जिसको स्क्रीन से लिखना है वो स्क्रीन से ये एसे को नोट डाउन कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट को पूरा का पूरा 19AC05 का टेस्ट पेपर अलॉन्ग विथ मॉडल आंसर्स चाहिए, तो वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाए और 19AC05 विदाउट इवैल्यूएशन में क्लिक करें, और क्लिक करेंगे तो आप दूसरे वेबसाइट में पहुंच जाएंगे और फिर वहां पर आप टेस्ट पेपर बाय कर सकते हो। यदि किसी भी कैंडिडेट को 19AC01 से लेकर 19AC08 तक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद मॉडल आंसर्स चाहिए एक बार में, तो वो मुझे कॉल करें, मैं उनको प्रोसीजर बता दूंगी कि कैसे बाय कर सकते हैं एक साथ सारे के सारे क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद मॉडल आंसर्स। तो चलिए हम एसे पे आते हैं। हालांकि मैंने एसे पर पूरा डिस्कशन किया हुआ है कि किस तरह से एसे लिखा जाता है, तो मैं एक बार वापस से मैं बता देती हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन एसे का, कि एसे 6 टॉपिक्स पे पूछे जाते हैं जिनमें आपको 4 अटेम्प्ट करना पड़ता है अपने एग्जाम में। एक एसे का जो मार्क्स होता है वो 20, तो 4 एसे का मार्क्स हो गया 80। वर्ड लिमिट एक एसे का 300 वर्ड्स होता है। 300 वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली आप 300 वर्ड्स लिखोगे, 290, 310, ज़्यादा ज़्यादा 320, उससे ज़्यादा मत लिखना। एक ऐसे को लिखने में आपको 20 मिनट लगने चाहिए। 20 मिनट से ज़्यादा अगर आप लगाओगे तो इसका मतलब है कोई और क्वेश्चन आपका छूट सकता है। तो यानी टोटल 4 ऐसे आपको लिखने में 1 घंटा 20 मिनट लगना चाहिए। अच्छा स्कोर जो ऐसे का होगा वो 40 से 50 होगा। अब बहुत बहुत अच्छा ऐसे लिखते हो तब आप प्लीज़ एक्सपेक्ट मत ये करना कि आपको 70 मिल जाएंगे या 80 मिल जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा ऐसे में आपको 40 से 50 मिलेंगे। एक एवरेज ऐसे होगा तो उसमें आपको 24 से 35 मिल सकते हैं 80 में। ऐसे आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। किस तरह से ऐसे को एसेस किया जाता है या जज किया जाता है कि आपने एक अच्छा ऐसे लिखा है या एक बुरा ऐसे लिखा है या एक एवरेज ऐसे लिखा है? सबसे पहली चीज़ है, यदि आपके ऐसे में कंटेंट नहीं होगा, कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके ऐसे में कंटेंट नहीं होगा तो आपको 0 मिलेंगे। कंटेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है, कंटेंट आपका रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट का मतलब है जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए। सपोज आपका ऐसे ये है, अर्बन फॉरेस्ट्री कैन हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज, ये आपका टॉपिक है। अब टॉपिक में आपको अच्छे से दिख रहा है क्लाइमेट चेंज और आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है अर्बन फॉरेस्ट्री, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फाइन। मगर इन दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अर्बन फॉरेस्ट्री है, क्लाइमेट चेंज उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो अर्बन फॉरेस्ट्री में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मगर जितने भी आंसर स्क्रिप्ट आए हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आंसर स्क्रिप्ट ने क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पोल्यूशन हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, पता नहीं बहुत सारे पोल्यूशन लिखती है। तो इस एसे में अगर आपका फोकस क्लाइमेट चेंज पर है तो आपका कंटेंट रेलिवेंट नहीं है टू द टॉपिक, और अगर आपने अर्बन फॉरेस्ट्री पे फोकस किया है तब आपका कंटेंट रेलिवेंट है। तो कंटेंट रेलिवेंट होना बहुत ज़रूरी है और आपको एसे से पहचानना पड़ेगा
कि इसमें मुझे किसके बारे में लिखना है. ओके अब जैसे यूएस चाइना चाइना राइवलरी इंडिया बैलेंसिंग एक्ट, अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट इंडिया बैलेंसिंग एक्ट. अगर आप यूएस और चाइना के राइवलरी के बारे में बहुत ज़्यादा लिखने लग गए, आपको सिर्फ एक दो लाइन लिखना है कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, इंडिया के तरफ यूएस का झुकाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, मगर इंडिया के लिए चाइना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इंडिया किस तरह से बैलेंस करेगा. तो आपको इंडिया बैलेंसिंग एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है. मगर यदि आपने यूएस और चाइना राइवलरी पे फोकस ज़्यादा कर लिया तो आपका कंटेंट इज इररेलेवेंट टू द टॉपिक. अब तीसरा जो एसे है, विदाउट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव. अब इसमें आप सोचिए, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्या डेमोक्रेसी इम्पोर्टेंट है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी इम्पोर्टेंट है. इसमें इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो आपका कंटेंट पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट जुडिशरी पर होना चाहिए. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है, फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी को डिफाइन ही नहीं कर रहे, तो फिर फ़ायदा क्या है. और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं डेमोक्रेसी इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. ओके अब जैसे ये फार्म क्राइसिस शॉर्ट टर्म पैलेटिव्स आर फ्यूटाइल. अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें फार्म क्राइसिस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें शॉर्ट टर्म पैलेटिव्स आर फ्यूटाइल इम्पॉर्टेंट है. शॉर्ट टर्म पैलेटिव्स का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जितने भी स्कीम्स दे रही है फार्म क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए, वो सारे स्कीम्स फ्यूटाइल हैं. तो आपको उस स्कीम्स के बारे में बताना है और वो किस तरह से व्यर्थ है ये भी बताना है. और अगर आपको लगता है व्यर्थ नहीं है तो आप उसके अगेंस्ट भी लिख सकते हो. ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक है ऐसे का उसी के फेवर में लिखना है, आप अगेंस्ट में भी लिख सकते हो. ओके अब देखिए, इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया टूवर्ड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन. अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन इम्पॉर्टेंट है कि इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, अब इसका सोल्यूशन क्या है. बहुत कम स्टूडेंट ने इसको इस टॉपिक को अटेम्प्ट किया है, मगर जिसने भी अटेम्प्ट किया है उन्होंने कॉजेस पे बहुत ध्यान दिया है कि बांग्लादेश से इंडिया इमिग्रेशन क्यों हो रहा है, इलीगल इमिग्रेशन क्यों हो रहा है, कॉजेस पे बहुत ज़्यादा लिख दिया है. आप कॉजेस पर लिख रहे हो तो इसका मतलब है आपका कंटेंट इररेलेवेंट है, आपको टॉपिक ही नहीं समझ में आया है कि आपको फोकस किस पे करना है. याद रखना CAPF में आपका एसे का टॉपिक बहुत लंबा होता है और आपको टॉपिक पर एसे लिखने के पहले आपको एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा जिस पे आपको बहुत अच्छे से बताना होगा उस रोड मैप में कि आपको फोकस किस पे करना है. सोल्यूशन पे फोकस करोगे कि इलीगल इमिग्रेशन क्यों हो रहा है इस पे फोकस करोगे, सोल्यूशन पे फोकस करोगे. अगर करते हो तो आपका कंटेंट जो होगा रेलिवेंट टू द टॉपिक होगा और आप इस टॉपिक को जस्टिफाई कर पाओगे अपने एसे में. व्हाट शुड इंडिया स्ट्राइव फॉर, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन वाला जो एसे है किसी भी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट नहीं किया है. ओके तो इसमें भी आपको मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन का मतलब बताकर इंडिया को किसकी तरफ जाना चाहिए ये आपको बताना पड़ेगा. तो और एक और चीज़ यही है इम्पॉर्टेंट कि ऐसे जो भी बोल रहा है उसके ज़रूरी नहीं आप फेवर में लिखो या आप अगेंस्ट में लिख सकते हो, मगर जो आपका कंक्लूजन होगा वो आपका खुद का ओपिनियन होना चाहिए. इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए और सपोर्टेड बाय एविडेंस होना चाहिए. हवा में बातें बिल्कुल नहीं करनी है, आप जो फैक्ट्स दे रहे हो वो फैक्चुअली करेक्ट फैक्ट होने चाहिए. ओके और कोशिश करो अपने एसे को करंट इशू से कनेक्ट करो. अब कैसे करंट इशू से कनेक्ट करोगे, अर्बन फॉरेस्ट्री कैन हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज. इसको आप करंट इशू से इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो कि जो कटोविस में जो क्लाइमेट चेंज पे जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में बात कर सकते हो, मगर एक ही लाइन में बात करो. तो आपने करंट इशू से कनेक्ट कर दिया और फिर आप अर्बन फॉरेस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से बातें करने लग जाओ कि अर्बन फॉरेस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह से मीटिंग हुई थी और इसमें सबने कमेंट किया है कि अपने जो टेम्परेचर है ग्लोबल टेम्परेचर उसको रिड्यूस करेंगे, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेंगे. राइट फाइन
द यूएस चाइना राइवलरी इंडिया बैलेंसिंग एक्ट, ये तो पूरा का पूरा करंट इशू है. विदाउट एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी डेमोक्रेसी कांट सर्वाइव. आपको बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा जुडिशियल क्राइसिस जो इंडिया अभी फेस कर रहा है. अगर आप नहीं बताओगे तो आपने करंट इशू से कनेक्ट ही नहीं किया अपने कंटेंट को. फार्म क्राइसिस, शॉर्ट टर्म पैलिएटिव्स ऑफ फ्यूटाइल, इसमें आपको मोदी ने अभी अभी जो योजना दी है, जो मंथली इनकम फार्मर्स को देना है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा. अगर आप बता दिए, आपने करंट इशू से कनेक्ट कर दिया. इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, इसमें आपको रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में बताना पड़ेगा, मगर एक ही लाइन में बताओगे, ठीक है, क्योंकि आपको फोकस करना है सोल्यूशन पे. ये वाला जो है, इसमें करंट इशू मैंने भी अपने ऐसे में नहीं लिखा है, हालांकि मैं आपको दिखा दूंगी वो ऐसे. आपका अनबायस्ड होना चाहिए. आप अगर किसी टॉपिक के फेवर में लिख रहे हो या आप गिवन टॉपिक के अगेंस्ट में लिख रहे हो, आप दोनों में लिख सकते हो, मगर कहीं पे आपकी जो बायसनेस है वो इंडिकेट नहीं होनी चाहिए. रिजर्वेशन पे आता है तो ऐसे के कंटेंट से एग्जामिनर को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कौन से कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो. आपके कम्युनिटी का, आपके लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड का, आपके रिलीजियस बैकग्राउंड का, किसी का भी पता नहीं चलना चाहिए. आप मोदी के भक्त हो वो भी नहीं पता चलना चाहिए. और कंक्लूजन में जब आप अपने पर्सनल ओपिनियन देते हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप फेवर में बोल रहे हो, अगेंस्ट में बोल रहे हो, उसमें अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए. तो अगर आपका कंटेंट रेलिवेंट है, बहुत अच्छी बात है, मगर उसको ऑर्गेनाइज भी आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा. ऑर्गेनाइज करने का मतलब है पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी होनी चाहिए. किस तरह से कनेक्टिविटी होनी चाहिए मैं आपको बता रही हूँ. जैसे मैं पहला ऐसे ले रही हूँ, अर्बन फॉरेस्ट्री कैन हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज. अब आप इंट्रोडक्शन देखिए. द इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज आर कन्वर्जिंग इन डेंजरस वेज. सिटीज अंडरगोइंग अर्बनाइजेशन आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू क्लाइमेट चेंज, ऑल्दो दे कवर लेस देन 2% ऑफ अर्थ सर्फेस. This rising urbanization is resulting in increase in temperature and pollutants, making the cities heavily vulnerable to climate change. ये मैंने first para लिखा है. अब मुझे इस paragraph को second para से connect करना है, तो मैंने इस तरह से लिखा है, in order to prevent cities from becoming unlivable. Obviously temperature होगा, pollutant होगा, तो cities unlivable होगा. तो मैंने ये paragraph को second para से connect कर दिया. Fine. तो आपको पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी होनी चाहिए. अब देखो किस तरह से ये वाला लाइन सेकेंड लाइन से कनेक्ट हो रहा है. द इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज आर कन्वर्जिंग इन डेंजरस वेज. सिटीज अंडरगोइंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन इधर, अर्बनाइजेशन इधर. फिर आप मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू क्लाइमेट चेंज, इधर पे भी क्लाइमेट चेंज, इधर पे भी क्लाइमेट चेंज. तो मैंने कनेक्ट कर दिया. फिर उसके बाद दिस राइजिंग अर्बनाइजेशन, मैंने दिस लिख के भी कनेक्ट कर दिया. अब यहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट्री आया. अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अर्बन फॉरेस्ट्री मस्ट बी ऑन प्रायोरिटी लिस्ट. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए, एडवांटेज दिए अर्बन फॉरेस्ट्री के, कि अर्बन फॉरेस्ट्री मस्ट बी ऑन प्रायोरिटी लिस्ट इन एक्शन प्लान एज इट कैन रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज टू अ लार्ज एक्सटेंट एंड मिटिगेट स्मॉग. फर्दर इट विल प्योरीफाई एयर. पहला एडवांटेज है कि वो टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकता है, दूसरा स्मॉग को कम कर सकता है. मिटिगेट का मतलब कम कर सकता है. फर्दर, तो फर्दर लिख के मैंने ये वाले लाइन और इस वाले लाइन को कनेक्ट कर दिया. आप ऑल्सो लिख के भी कनेक्ट कर सकते हो. तो पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी और लाइन टू लाइन कनेक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है. तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो एसे है वो कोहरेंट लगेगा और स्कैटर्ड नहीं लगेगा. लैंग्वेज, जो पहला कंटेंट देखते हैं, अगर कंटेंट होगा तो आप समझ लो आपको जीरो कभी नहीं मिलेंगे. दूसरा, अगर कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन होगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपका जो अपना ओपिनियन है उसमें क्लैरिटी है, अपने टॉपिक को, अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पा. नेक्स्ट आपका लैंग्वेज आता है. लैंग्वेज आपका क्लियर होना चाहिए. ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकते हैं, मगर बहुत मेजर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होने चाहिए. इस तरह के मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए जिससे आपकी मीनिंग ही चेंज हो जाए आपके सेंटेंस के. स्पेलिंग मिस्टेक ऑर्डनरी वर्ड्स के नहीं होने चाहिए. गवर्नमेंट की भी स्पेलिंग मिस्टेक स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो गलत बात है ना. पंचुएशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब ये फुल स्टॉप तो पुट करो, फुल स्टॉप ही नहीं पुट करते, कॉमा पुट करने भूल जाते हो तो पूरी मीनिंग ही चेंज हो जाती है. और कोशिश करो कि छोटे छोटे सेंटेंस फ्रेम करो, लंबे लंबे सेंटेंसेस फ्रेम मत करो. और कभी भी किसी भी पार्टी लीडर का नाम कोट नहीं करोगे, पार्टी का नाम कोट नहीं करोगे. आप गवर्नमेंट लिख दीजिए मगर प्लीज़ किसी भी पॉलिटिकल लीडर का नाम कोट नहीं करना है. आपका तीन पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट.
तो मैं आपको पूरा ऐसे जरूर दिखाऊंगी, मगर मैं समझाऊंगी सिर्फ इंट्रोडक्शन, सेकेंड पैरा और कंक्लूशन। अगर आपको 19AC05 का पूरा मॉडल आंसर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आप जाइए और बाय कर लीजिए विदाउट इवैल्यूएशन। पूरा टेस्ट पेपर्स विद मॉडल आंसर्स 19AC01 से 19AC06 चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, आप मैं प्रोसीजर बता दूंगी कि पूरे 8 टेस्ट पेपर्स के मॉडल आंसर्स और क्वेश्चन पेपर आप कैसे ले सकते हो मैं बता दूंगी। आपको इसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे या कॉल पे। अब 3 पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन। सबसे पहली चीज है इंट्रोडक्शन को कभी अंडरलाइन मत करना। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी दोनों को अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन बोलते हैं बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए, आप सभी को पता है, मगर किसी को भी ये नहीं पता कि इंप्रेसिव कैसे करें। ओके, दूसरी चीज है टॉपिक से रेलिवेंट होना चाहिए। सबको पता है कि आपका एक एक लाइन एसे का एक एक वर्ड टॉपिक से रेलिवेंट होना चाहिए, टॉपिक को जस्टिफाई करना चाहिए, सबको पता है, मगर कैसे करना है वो हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका टॉपिक जो होगा उसका आपको इनडायरेक्ट रेफरेंस देना है अपने इंट्रोडक्शन में, टॉपिक का डायरेक्ट रेफरेंस नहीं देना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप टॉपिक देखते हो, लंबा टॉपिक होता है CAPF essay का, तो उसमें उस टॉपिक में एक माइनर एस्पेक्ट होता है और एक मेजर एस्पेक्ट होता है, ये जो चीज मैंने आपको बता दी है। जैसे कि अर्बन फॉरेस्ट्री कैन हेल्प क्लाइमेट चेंज, इसमें माइनर एस्पेक्ट क्लाइमेट चेंज है और मेजर एस्पेक्ट अर्बन फॉरेस्ट्री है। तो आपके इंट्रोडक्शन में आप अर्बन फॉरेस्ट्री के बारे में अगर आपको लिखना है तो कम से कम इंट्रोडक्शन के फर्स्ट लाइन में मत लिखो, इंट्रोडक्शन के लास्ट लाइन में लिख दो। मगर अर्बन फॉरेस्ट्री जो मेजर एस्पेक्ट है इसके बारे में आप इंट्रोडक्शन में नहीं मेंशन करोगे, मेंशन करने का मन कर रहा है तो आप लास्ट इंट्रोडक्शन के लास्ट लाइन में मेंशन कर दो। तो आप किससे शुरू करोगे? टॉपिक का माइनर एस्पेक्ट से शुरू करो, क्लाइमेट चेंज, या इनडायरेक्ट रिलेशन अगर उस टॉपिक से कोई वर्ड का हो रहा है उससे शुरू कर दो। जैसे मैंने शुरू किया था अर्बनाइजेशन से, मैंने अर्बनाइजेशन से शुरू किया क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है उसी की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसी की वजह से अर्बन फॉरेस्ट्री करना है, सिंपल सा चीज है। तो आप देख रहे हो इनडायरेक्ट रेफरेंस है अर्बनाइजेशन, ड्यू टू अर्बनाइजेशन क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज अर्बन फॉरेस्ट्री। तो माइनर एस्पेक्ट से शुरू करना है, कभी भी इंट्रोडक्शन को आप कोर एस्पेक्ट से शुरू नहीं करोगे। और कोशिश करो आपका जो इंट्रोडक्शन जो मैंने लिखा नहीं है 40-50 वर्ड्स का होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप इंट्रोडक्शन में दे दिए तो आप समझ लो कि आपका जो मेन जो कोर एस्पेक्ट है टॉपिक का, जैसे अर्बन फॉरेस्ट्री कोर एस्पेक्ट है, आप उस पर ज़्यादा लिख ही नहीं पाओगे क्योंकि आप वर्ड लिमिट एक्सीड कर सकते हो। इसलिए इंट्रोडक्शन को 40-50 वर्ड्स रखो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन, ज़्यादा उससे ज़्यादा मत रखो, क्योंकि आपको बेसिकली अपने ऐसे में कोर एस्पेक्ट जो है जैसे अर्बन फॉरेस्ट्री उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब जैसे US चाइना राइवलरी इंडिया बैलेंसिंग एक्ट, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंडिया का बैलेंसिंग एक्ट। तो आप इससे इंट्रोडक्शन नहीं शुरू करोगे, आप US से कर लो, आप चाइना से कर लो, उनके राइवलरी से शुरू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा इंट्रोडक्शन माइनर एस्पेक्ट से शुरू करोगे, फाइन। अब विदाउट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी डेमोक्रेसी कांट सर्वाइव। आप आइडेंटिफाई करो इसमें माइनर एस्पेक्ट कौन सा है, डेमोक्रेसी है, तो आप डेमोक्रेसी से शुरू करो, आप इंडिपेंडेंट जुडिशियल से नहीं शुरू करोगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमेशा सेकेंड पैरा से शुरू करते हैं, कभी भी फर्स्ट इंट्रोडक्शन में नहीं एक्सपोज करते हैं टॉपिक को। फार्म क्राइसिस शॉर्ट टर्म पैलेटिस, तो इसमें शॉर्ट टर्म पैलेटिस जो गवर्नमेंट की स्कीम है इससे आप शुरू नहीं करोगे, ये माइनर एस्पेक्ट नहीं है, ये मेजर एस्पेक्ट है। माइनर एस्पेक्ट फार्म क्राइसिस, आप एग्रीकल्चर से शुरू कर लो। इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, आप इलीगल इमिग्रेशन से शुरू करो, आप बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशनशिप से शुरू कर दो, बांग्लादेश कौन से क्राइसिस से गुजर रहा है आप उससे शुरू कर दो। फिर हम सेकेंड पैरा पे आते हैं, सेकेंड पैरा में यू हिट द कोर एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक, आप पूरे टॉपिक को एक्सपोज कर दो। इतना लंबा टॉपिक होता है CAPF का पूरा एक्सपोज कर दो सेकेंड पैरा में, या तो सेकेंड पैरा के फर्स्ट लाइन में एक्सपोज कर सकते हो या तो लास्ट लाइन में एक्सपोज कर दो, मगर पूरा एक्सपोज होना चाहिए सेकेंड पैरा में। एक्सपोज द फुल टॉपिक इन द सेकेंड पैरा, बाय डूइंग सो एग्जामिनर विल कम टू नो दैट योर कंटेंट इज नॉट डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक। अब सेकेंड पैरा देखो, मैंने फर्स्ट पैरा में अर्बनाइजेशन के बारे में बोला,
क्लाइमेट चेंज के बारे में बोला, फिर उसकी वजह से टेम्परेचर और पोल्यूटेंट इंक्रीज हो रहे हैं और हमें इसलिए अर्बन फॉरेस्ट्री की ज़रूरत है। आप देख लो, मैंने पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया और मैं सेकेंड पैराग्राफ में मेजर एस्पेक्ट पे आ गई। अर्बन फॉरेस्ट्री का क्या एडवांटेज है, मैंने यहाँ पे बता दिया कि टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा, स्मॉग को मिटिगेट करेगा, एयर को प्योरीफाई करेगा एंड विल गिव विजुअल रिलीफ। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया है, अर्बन फॉरेस्ट्री से क्या क्या हो सकता है ये तो ज़रूर बता दिया। अर्बन फॉरेस्ट्री के क्या क्या एडवांटेज है वो तो हर छोटे बच्चे को भी पता है। आपको अब बताना है कि अर्बन फॉरेस्ट्री कैसे लाया जा सकता है सिटीज़ में, कैसे हम फॉरेस्ट को प्लांट कर सकते हैं, ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। मगर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने लिखा है अर्बन फॉरेस्ट्री का एडवांटेजेस, जो कि टॉपिक से इररेलेवेंट है। मैं हल्का सा बता दूँ इसमें, फिर मैंने यहाँ पर चेन्नई सिटी के बारे में बताया कि चेन्नई सिटी क्या कर रहा है अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए। उसने एक टेक्निक अडॉप्ट की है, मियावाकी टेक्निक, जो कि एक जैपनीज टेक्निक है, उसके बारे में मैंने बता दिया। वो मैंने अपने कंटेंट को करंट इशू से रिलेट किया है। फिर उसके बाद और जितने कंट्रीज हैं वो लोग अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए क्या कर रहे हैं, तो मैंने इटली, चाइना, स्विट्ज़रलैंड के बारे में बता दिया। इंडिया में बैंगलोर है, वो भी कर रहा है काम, ये भी बता दिया। ओके, तो हमें सेकेंड पैरा में पूरे के पूरे टॉपिक को एक्सपोज करना है। थर्ड पैरा, फोर्थ पैरा, वो सब डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, आपने टॉपिक को कितने अच्छे से समझा है। बहुत लोगों ने अर्बन फॉरेस्ट्री का एडवांटेज दे दिया, इसका मतलब उन्होंने टॉपिक को नहीं समझा है। अर्बन फॉरेस्ट्री कैसे ला सकते हैं और कहाँ कहाँ लाया गया है और कौन एफर्ट्स लगा रहे हैं इस पर, आपको ये बात करनी पड़ेगी। वर्ल्ड में कौन कर रहा है, इंडिया में कौन कर रहा है। अब कंक्लूजन, कंक्लूजन में आप कभी भी कोट नहीं दोगे, कोई कोटेशंस नहीं देना है, क्योंकि कंक्लूजन में आपका ओपिनियन ज़रूरत है। और अगर आप कोट दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप किसी और का कोट दे रहे हो। आप इंट्रोडक्शन में कोट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कंक्लूजन में कोट नहीं देना है, आपकी ओपिनियन होनी चाहिए। और कभी भी आपका कंक्लूजन पेसिमिस्ट नहीं होना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए, हमेशा होपफुल रहना है। फार्म क्राइसिस अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं और ये बार बार मुद्दा हर साल उठ के आ जाता है। ओके, और गवर्नमेंट रिजॉल्व नहीं कर पा रही है, तो कंक्लूजन में हम आशावादी नहीं हो पाते हैं, मगर फिर भी आपको आशावादी होना होगा। ओके, और कभी भी अंडरलाइन नहीं करोगे। अब मैं आपको इसका कंक्लूजन दिखा दूं। इन द एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, फॉरेस्ट आर इनवैल्यूएबल एज इकोलॉजिकल एंटिटीज दैट विल मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज व्हेन प्रॉपरली प्लान्ड, capacitated and managed through the appropriate government structures, cities can be places of innovation and efficiency for diminishing the causes of climate change and effectively protect themselves from its impact. And effectively protecting hona chahiye, protecting themselves from its impact. To maine yahan forest ke bare mein bata diya ki forest ke advantages in fact is tarah se maine bata diye hain, aur magar properly planned hona chahiye. Ab mere khayal se maine aapko sari cheeze bata di hain. अब मैं एसे पे आ रही हूँ, सेकेंड एसे पे, मगर मैं फिर से इंट्रोडक्शन, सेकेंड पैरा और कंक्लूजन पे ध्यान दूंगी। मगर मैं एसे को पूरा स्क्रीन में दिखा भी दूंगी, अगर किसी को नोट डाउन करना है तो वो कर सकते। अब इसका टॉपिक है द यूएस चाइना राइवलरी, इंडियाज बैलेंसिंग एक्ट। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट जो कोर एस्पेक्ट है वो आपका इंडिया बैलेंसिंग एक्ट है, इंडिया कैसे बैलेंस करेगा। माइनर एस्पेक्ट है यूएस चाइना राइवलरी। ओके, तो मेरा जो इंट्रोडक्शन है मैं माइनर एस्पेक्ट से शुरू करूंगी, यूएस चाइना राइवलरी पे शुरू कर सकती हूँ। ओके, द यूएस इज द ओनली नेशन दैट हैज ट्रेमेंडस पावर टू इन्फ्लुएंस एंड शेप द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एट प्रेजेंट इट इज विटनेसिंग अ पावर राइवलरी विद चाइना एंड द लैटर, लैटर का मतलब चाइना, इज यूजिंग ऑल इट्स रिसोर्सेज टू रिप्लेस द यूएस एज लीडिंग पावर। अब मैंने यहाँ पर राइवलरी के बारे में बता दिया, मैंने ट्रेड वॉर के बारे में नहीं बताया। रीजन ये है कि मुझे इसमें फोकस करना है इंडिया बैलेंसिंग एक्ट पर। अब मैं सेकेंड पैरा में मुझे बैलेंसिंग एक्ट पर फोकस करना है, मुझे पूरा का पूरा टॉपिक को एक्सपोज करना है सेकेंड पैरा में। तो आप देखिए, द यूएस इज ट्राइंग टू विन ओवर द एलीज अगेंस्ट चाइना एंड इट कंसिडर्स इंडिया एज अ पोटेंशियल काउंटर वेट टू द राइज ऑफ चाइना। यूएस किस तरह से इंडिया को फेवर कर रहा है अगेंस्ट चाइना, वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। सो इट इज प्रपोजिंग द ऑलराउंड इंगेजमेंट विद इंडिया
For India, the friendly signals from the US are in contrast to the intermittent military pressure from China at the border and the unsustainable trade deficit with China, which is $60 billion. ये मैंने current issue से connect कर दिया. On the other hand, China is trying to, देखो on the other hand लिख कर मैंने क्या किया, मैंने connect किया कि US इस तरह से कर रहा है और China on the other hand क्या कर रहा है. China is trying to isolate India by winning over its neighbors, especially Pakistan. This makes a geostrategic advantage of strengthening ties with the US. तो ये वाला लाइन लिखकर मैं इंडिया का बैलेंसिंग एक्ट के बारे में बता रही हूँ. ओके, तो पहले लाइन में मैंने US फेवर कर रहा है इंडिया को, दूसरे लाइन में मैं लिख रही हूँ कि चाइना आइसोलेट कर रहा है इंडिया को. तो इस तरह से हम अगर ये चीज देखें तो इंडिया को US की तरफ जाना चाहिए. However, India can't really close its door on the world's second largest economy, especially when the EU is struggle with Brexit and India needs newer markets to help its business grow faster. तो यहाँ पर मैंने इंडिया का बैलेंसिंग एक्ट बता दिया. अगर इंडिया US की तरफ जाएगा तो क्या डिसएडवांटेज है और क्या एडवांटेज है, तो मैंने डिसएडवांटेज बता दिया यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी. और फिर अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ. A fast growing India would be more attractive for China and the US, whether it tilts or not towards one power or another. India therefore should give more importance to attracting foreign investors. Also, India must plan to take advantage of the anti-Chinese measures of the US without making an obvious anti-China postures in India foreign policy. Ab next dekhiye, without an independent judiciary, democracy can't survive. डेमोक्रेसी माइनर एस्पेक्ट है तो मैं इंट्रोडक्शन में माइनर एस्पेक्ट से शुरू करूंगी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी मेजर एस्पेक्ट है तो मैं मेजर एस्पेक्ट यहाँ पर सेकंड पैरा में मैं लेकर आऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बोला सेकंड पैरा में पूरे टॉपिक को एक्सपोज करना है. द इंडियन जुडिशरी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. अब आप बोलोगे मैम मैं इंडियन जुडिशरी पे आ गई, तो आप देखोगे मैं इंडिपेंडेंट पे नहीं आई हूँ. यहाँ पर जो मेजर एस्पेक्ट है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडियन जुडिशरी नहीं है. द इंडियन जुडिशरी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. तो आप देखो डेमोक्रेसी और जुडिशरी को मैंने कनेक्ट कर दिया. दिस इज इट्स ओनली पिलर इन विच ऑल इंडियंस हैव फुल फेथ एंड कॉन्फिडेंस. दिस फेथ इज एम्पली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फैक्ट दैट एवरी डे मेनी न्यू केसेज आर बींग हर्ड इन कोर्ट्स ऑल ओवर द कंट्री. तो मैंने बेसिकली यहाँ पर डेमोक्रेसी के बारे में भी नहीं बताया है, मैंने यहाँ पर जुडिशरी के बारे में बताया है. तो अगेन मैं यहाँ पर माइनर एस्पेक्ट ले रही हूँ, मैंने मेजर एस्पेक्ट नहीं लिया है, दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. सेकेंड पैरा में द ग्रेट सोसाइटल ट्रस्ट दैट द जुडिशरी इज एंडोर्ड विद. मैंने इंट्रोडक्शन और सेकेंड पैरा को कनेक्ट कैसे किया है, ये जो फेथ है और इसी फेथ को मैंने यहाँ पर ट्रस्ट लिख दिया, तो मैंने इंट्रोडक्शन और सेकेंड पैरा को कनेक्ट किया है. The great societal trust that the judiciary is endowed with must be lived up to guard its precious credibility and legitimacy. The judiciary must remain uncontaminated, independent and fierce. Dekar aa gayi main independent judiciary ko yahan par expose kar diya topic ko pura ka pura second para mein. All these means that the judiciary should be politically insulated from the legislative and executive power. Ab maine yahan par independent judiciary ka matlab bata diya. That is, courts should not be subject to improper influence from the other branches of government or from private or partisan interests. It also means that the judges perform their constitutional role independent of personal biases, political and moral beliefs and partisan ideologies. They should maintain primary fidelity to the law and the constitution, to the legal instruments and to the canons of legal interpretation. यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इंडिपेंडेंट जुडिशरी को डिफाइन कर दिया है. अब डेमोक्रेसी कांट सर्वाइव विदाउट इंडिपेंडेंट जुडिशरी. अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, अब मैंने अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप लिखकर मैंने इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ को कनेक्ट कर दिया है. अब कैसे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं इसके बारे में मैंने यहाँ पर बात की है. सल्यूशन, अर्बन फॉरेस्ट्री कैसे लाया जा सकता है उसका सल्यूशन इंपॉर्टेंट है. अर्बन फॉरेस्ट्री का एडवांटेज ये सबको पता है, वैसे ही इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंपॉर्टेंट है ये सभी को पता है, मगर कैसे जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो सकता है ये आपको लिखना होगा. ओके, अब फिर उसके बाद मैंने कंक्लूड किया है. विदाउट हर्टिंग इट्स इंडिपेंडेंस जुडिशियल सिस्टम कैन बी डिसिप्लिन थ्रू लॉ.
If it is not done, then people are going to lose faith in this system, because weak and corrupt judges cannot be expected to protect the rights and liberties of the people. Also, likh ke main connect karti hu pehle wale line ko. Also, if the judges think only about themselves and not the law, democracy can be in danger. Farm crisis, short-term palliatives are futile. Yahan par short-term palliatives ka matlab hota hai scheme, government ki schemes, okay? अब यहाँ पर माइनर एस्पेक्ट है फार्म क्राइसिस. आप फार्म क्राइसिस से शुरू कर सकते हो, आप एग्रीकल्चर से शुरू कर सकते हो जो रिलेटेड है फार्म क्राइसिस से. तो मैंने एक कोर्ट से शुरू किया है. जवाहरलाल नेहरू सेड एवरीथिंग कैन वेट एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, बट फॉर द लास्ट टू डिकेड्स एग्रीकल्चर हैज़ बीन वेटिंग इवन एज द इकोनॉमी हैज़ कंटिन्यू टू मेक रैपिड स्ट्राइड्स. पॉलिसी मेकर्स कंटिन्यू टू लुक फॉर कॉस्मेटिक पॉलिसीज टू कीप फार्मर प्लीज. ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ये बहुत बड़ा है, ये 89 वर्ड्स का है, ओके? और जबकि मैंने आपको कहा है कि आपका इंट्रोडक्शन 40-50 वर्ड्स का होगा, अब मैं आपको बता रही हूँ ये इंट्रोडक्शन इतना बड़ा क्यों है. इंट्रोडक्शन का जो दो लाइन है, फर्स्ट टू लाइन्स, उसमें मैंने एग्रीकल्चर से शुरू किया है, ओके? मगर उसके बाद वाले लाइन में शॉर्ट टर्म पैलेटिव्स पे आ गई, ओके? यानी मैं स्कीम्स पे आ गई. तो मैंने आपको ये कहा है कि इंट्रोडक्शन में कोशिश करो पूरे टॉपिक को एक्सपोज मत करो, फाइन? यदि आपको करना भी है पूरे टॉपिक को एक्सपोज, ये भी मैंने बताया है कि कम से कम इंट्रोडक्शन के फर्स्ट लाइन से एक्सपोज मत करो टॉपिक को. मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन के फर्स्ट टू लाइन्स में मैंने एग्रीकल्चर के बारे में बता दिया, इकोनॉमी के बारे में बता दिया, ओके? मगर मैंने फार्म क्राइसिस के बारे में भी, और एक तरह से इनडायरेक्टली मैंने फार्म क्राइसिस के बारे में बता दिया. फॉर द लास्ट टू डिकेड्स एग्रीकल्चर हैज बीन वेटिंग. उसके बाद आप देखोगे मैं पॉलिसी मेकर्स के बारे में बता रही हूँ कि वो लोग कैसे कैसे स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, और वो सारे स्कीम्स मैंने यहीं पर बता दिए हैं. मैं सेकेंड पैराग्राफ में फ्यूटाइल के बारे में बताऊंगी कि ये सारे स्कीम्स फ्यूटाइल क्यों हैं, बेकार क्यों हैं. आपको समझ में आया, मैंने पहले फार्म के बारे में बताया, दैट इज एग्रीकल्चर. क्राइसिस के बारे में बता दिया थर्ड लाइन में इंट्रोडक्शन के. फिर पैलेटिव्स के बारे में बता दिया यहाँ से. और ये फ्यूटाइल कैसे है ये मैं सेकंड पैरा में बताऊंगी. तो आप देख रहे हो कितना ऑर्गेनाइज्ड है और कितनी क्लैरिटी है. अब देखो, पॉलिसी मेकर्स कंटिन्यू टू लुक फॉर कॉस्मेटिक पॉलिसीज टू कीप फार्मर्स प्लीज्ड. These include farm waiver, direct income support, and other schemes whose outcomes are far from clear. These proposed measures have failed to bring progressive transformation in farming community. Its abysmal state can be gauged from the fact that over the past 22 years, more than itna farmers have committed suicide. ये हमें futile क्यों लग रहा है? क्योंकि इतने farmers ने suicide कर लिया है. हमें ये palliatives futile क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी तक कोई प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी भी फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो मैंने स्कीम्स के बारे में बता दिया, स्कीम्स का नाम दे दिया, फ्यूटाइल क्यों लग रहा है ये बता दिया, ओके? अब मैं और डिटेल में बताऊंगी कि फ्यूटाइल क्यों है. तो आप देख रहे हो फर्स्ट पैराग्राफ में, मैं चाहती तो मैं ऐसे भी कर सकती थी, यहाँ पर मैं पैरा चेंज कर सकती थी, ये भी कर सकती थी, मगर पैराग्राफ में कम से कम तीन लाइन तो होना चाहिए, ओके? तो मैंने इसीलिए इस तरह से मैं लेकर आई हूँ. अब उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में अब मैं बता रही हूँ कि किस तरह से फ्यूटाइल है, स्कीम फ्यूटाइल कैसे है ये बता रही हूँ, क्योंकि अभी भी फार्मर सुसाइड कर रहे हैं. मगर अब मैं लॉजिकल अब मैं अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ. So short-term policy designs of successive government are, यहाँ पे S लगना चाहिए. So short-term policy designs of successive governments are responsible for this farm crisis. One such policy doubling farmer income by 2022. The government's own economic survey of India 2018 tells us that the average income of farmers is only itna rupees a year. That means that the monthly income of a farmer family is less than 6,500 rupees. Even if this income were to be doubled, it won't help the farmers. Another policy of extending rupees 72,000 crore as direct income support to farmer is nowhere near the annual loss of about itna crore that farmers have been suffering.
Also, loan waiver is not the right remedy for farmers indebtedness and leads to bad credit discipline. तो मैंने यहाँ पर तीन गवर्नमेंट की स्कीम बता दी और वो किस तरह से फ्यूटाइल है उसका मैंने एविडेंस भी दे दिया, डेटा भी दे दिया. तो कभी भी हवा में बातें नहीं करनी है, आपको एविडेंस देना पड़ेगा जो भी आप बोल रहे हो. इससे आपका कंटेंट में वजन रहेगा, वेट रहेगा. ओके, जब हम करंट इशू से रिलेट करते हैं तब वजन रहता है कंटेंट में, जब हम अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए कोई डेटा और एविडेंस देते तब भी वजन रहता है हमारे कंटेंट में. ओके, अब आप देख रहे हो मैंने कंक्लूजन भी बहुत बड़ा दे दी. दीज पॉलिटिकल साउंड मेजर्स आर मेयर पैलेटिव एंड नॉट क्यूरेटिव. What we need is massive investment and robust reforms in agricultural sector that can potentially result in sustained farm resurgence without undue burden on country's fragile economy. Sadly, the agriculture investment have had biggest decline in the last three decades with the cut of 3.5% per annum in the real terms. The government should increase the investment in agriculture and expand the agriculture market for the farmers. With this, farmers' income will be increased substantially. Such long-term measures will boost farmers' income and trigger agriculture growth. तो आप देख रहे हो मैंने कहीं पे निराशावादी कमेंट नहीं दिया है, पेसिमिस्ट रिमार्क नहीं दिया है. ओके, हमेशा आपका कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए. Illegal immigration from Bangladesh to India towards a comprehensive solution. अब इसमें इमिग्रेशन माइनर एस्पेक्ट है, मेजर एस्पेक्ट आपका कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन है. तो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है, इंडियाज लिबरल डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल हैव मेड इट अ मैग्नेट फॉर पीपल हु आर फ्लीइंग पर्सिक्यूशन इन देयर ओन कंट्रीज. इसमें अगर प्रॉब्लम इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में यदि प्रॉब्लम होती है तो सबको इंडिया भाग के आ जाते हैं, क्योंकि इंडिया का क्रेडिबिलिटी ही ऐसा है, क्रीडेंशियल ही ऐसा है. While refugees from Tibet, Sri Lanka, Afghanistan, Myanmar have been dealt with systematically, but the influx of illegal immigrants from Bangladesh has largely been left unattended. तो मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम बता दी है कि बांग्लादेश से जो आ रहे हैं यहाँ पर इमिग्रेंट्स वो प्रॉब्लम ही है. अब उसका कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे. इस इन्फ्लक्स से इफेक्ट क्या हो रहा है वो मैं सेकेंड पैरा में बता रही हूँ. दिस इन्फ्लक्स हैज इंक्रीज्ड स्पेशली आफ्टर रोहिंग्या क्राइसिस एंड हैज प्रूव टू हैव सीरियस इम्प्लीकेशंस ऑन रिसोर्सेज एंड नेशनल सिक्योरिटी. यहाँ पे इसका इफेक्ट क्या है ये बता रही हूँ. रोहिंग्या क्राइसिस बताकर मैंने कंटेंट को करंट इशू से रिलेट कर दिया है. इट हैज सब्सटेंशियली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू चेंजिंग द डेमोग्राफिक पैटर्न इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया विच हैज लेड टू इंसर्जेंसी इन सम स्टेट्स. तो यहाँ पर मैंने इफेक्ट बता दिया, मैं सोल्यूशन पे नहीं आई. ओके, अब मैं थर्ड पैराग्राफ पे सोल्यूशन पे आ रही हूँ. तो मैं ये भी कर सकती थी कि इसको मैं इस यहाँ पर लेकर आ सकती थी. ओके, ऐसे भी कर लूंगी तो हम सेकेंड पैरा में सोल्यूशन पे आएंगे. फाइन, ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हर हालत में आपको सेकेंड पैरा में पूरे के पूरे टॉपिक को एक्सपोज करना पड़ेगा, मेजर एस्पेक्ट को डील करना पड़ेगा. फाइन, तो अब ये सही लग रहा है मेरे ख्याल से. वेरियस मेजर्स लाइक असम अकॉर्ड एंड फॉरनर्स एक्ट फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इलीगल इमिग्रेशन. अब मैं यहाँ पे सोल्यूशन पे आ रही, तो जो सोल्यूशन गवर्नमेंट ने दिया है उस सोल्यूशन के बारे में बता रही हूँ. असम अकॉर्ड, फॉरनर्स एक्ट, ये सारा गवर्नमेंट का सोल्यूशन था. द इंडियन पार्लियामेंट पास द इलीगल माइग्रेंट एक्ट इन 1983 बट फेल टू मेक एनी इम्पैक्ट एंड वॉज अल्टीमेटली सेट असाइड बाई द सुप्रीम कोर्ट इन 2005. नाउ द सेंटर हैज प्रपोज्ड द सिटीजनशिप बिल. बेसिकली ये वाला जो टॉपिक क्यों दिया गया या मैंने क्यों फ्रेम किया है, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया है 2018 में और इसीलिए करंट इशू है. अगर आपका टॉपिक इलीगल इमिग्रेशन पे है और अगर आपने सिटीजनशिप के बिल के बारे में बात नहीं की तो आपका करंट इशू से आपने कनेक्ट नहीं किया है. ओके, तो रोहिंग्या क्राइसिस है, सिटीजनशिप बिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको मेंशन करना पड़ेगा अपने कंटेंट में. Now the center has proposed citizenship bill that amends the citizenship act 1955 by selectively relaxing the eligibility rules for immigrants in getting Indian citizenship. It has sparked protests across the North Indian states. They fear that the prospect of citizenship will encourage migration from Bangladesh. Protesters say that the bill goes against Assam Accord and negates the ongoing update of the National Register of Citizens. अब मैं यहाँ पर अपना सोल्यूशन दे रही हूँ. इंस्टेड ऑफ दिस बिल
National refugee law should be enacted so that refugee are clearly defined and can be distinguished from illegal immigrants, and a bilateral agreement between India and Bangladesh should be signed for taking back illegal immigrants. This should be followed by concerted action to detect Bangladeshi immigrants for resettling them. So, मैंने conclusion दिया है, illegal migration from Bangladesh is no longer a regional problem as it has now spread in several parts of India. जब topic में solution दिया है, तो obviously illegal migration from Bangladesh एक problem है, okay? तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये एक regional problem नहीं रह गया है, ये एक national problem बन चुका है. Especially in Assam, the influx of these illegal migrants is turning its district into a non-Indian Muslim majority region. Thus, it is high time to solve this problem to save the nation from the threats of immigrants. Last हम कर रहे हैं, what should India strive for? Modernization or westernization? किसी भी candidate ने इसको attempt ही नहीं किया इस essay को. Reason क्या है? Clarity नहीं है. Modernization का मतलब क्या होता है? Westernization का मतलब क्या होता है? और India को किसको favour करना चाहिए? फाइन. तो ऑब्वियसली यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कोर एस्पेक्ट है टॉपिक का. तो ऑब्वियसली आप कम से कम इंट्रोडक्शन के फर्स्ट लाइन में नहीं शुरू करो. मैंने लिखा है, नो नेशन कैन रिमेन स्टैटिक बट गोज थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑल्टरेशन विच गिव्स बर्थ टू सम न्यू ट्रेंड. दीज टू ब्रॉड ट्रेंड्स अडॉप्शन ऑफ विच हैज चेंज द नेशन. Particularly lives of Indians are modernization and westernization. तो यहाँ पर modernization और westernization को सिर्फ introduce कर दिया है, मैंने इसका मतलब नहीं बताया है, okay? अब मैं second para में इसका मतलब बता रही हूँ. Both these trends are based on false notion that reforms are possible only if they are based on western models. Otherwise the nation will suffer stagnation and archaism. Most of the Indians को यही लगता है कि अगर हम वेस्टर्नाइज नहीं होंगे तो हम स्टैग्नेट कर जाएंगे, हम बैकवर्ड रह जाएंगे और हम मॉडर्नाइज भी नहीं हो पाएंगे. सबको ऐसे ही लगता है, मगर ये दोनों कॉन्सेप्ट एकदम डिफरेंट है. बट बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. वेस्टर्नाइजेशन एसेंशियली इम्प्लाइज इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर. आजकल के जो फैशन ट्रेंड है, जो चल रहे हैं, आज मैं यूथ को देख रही हूँ, कॉलेज स्टूडेंट्स को देख रही हूँ, वो लोग मॉडर्नाइज नहीं है, वो लोग वेस्टर्नाइज हो रहे हैं. आप लोग पिज्ज़ा खा रहे हो, आप लोग बर्गर खा रहे हो, आप लोग का ड्रेसिंग सेंस आपका वेस्टर्न कंट्रीज के कल्चर से मिल रहा है. वेयर एज मॉडर्नाइजेशन इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ सस्टेनिंग एंड प्रिजर्विंग सोवरेनिटी, सेफ्टी, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर ऑफ द नेशन एंड द पीपल. अनफॉर्चुनेटली आर सोसाइटी इज गेनिंग अ रैपिड पेस इन वेस्टर्नाइजेशन. Majority of Indians are showing keen interest in Western lifestyles and attitude, due to which joint family is eliminated and marriages are ending in divorce. To top it all, in the process of blind imitation of Western culture, we are degrading our own culture. अगर कोई साड़ी पहन रहा है, कोई सूट पहन रहा है, ओ बहुत बैकवर्ड है. कोई जीन्स पहन रहा है, यू नो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल जी रहा है, ओ काफी मॉडर्नाइज है, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है. ये हमारा नोशन बन गया, ये हमारा अप्रोच बन गया है. हम इसी तरह से लोगों को जज करते हैं. अनडाउटेडली इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग अ कल्चरल जीनोसाइड. यानी इंडियन कल्चर जो है ना, वो तो एलिमिनेट हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है. अ टोटल एनिलेशन ऑफ नेटिव रिलीजन, लैंग्वेज, ड्रेस, फूड, कस्टम एंड सिम्बल्स. आजकल कोई रोटी सब्जी खाना ही नहीं पसंद करता है, पिज्ज़ा, बर्गर, कोक. Therefore, India urgently needs to strive for modernization. सबसे पहले मैंने यहाँ पर modernization और westernization को introduce करके दोनों का मतलब समझा दिया. फिर यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि हमारा Indian society कहाँ जा रहा है, towards westernization जा रहा है कि towards modernization जा रहा है. और यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि इंडिया को मॉडर्नाइज होना है, वेस्टर्नाइज नहीं होना है. वेस्टर्नाइज होके इंडिया अपना कल्चर ही भूल रहा है, अपने कल्चर को डैमेज कर रहा है, अपने कल्चर को खो रहा है. Therefore, India urgently needs to strive for modernization in order to raise the consciousness of Indians towards their own culture and bring back its old glory. Large-scale modernization must be undertaken in all spheres of life, but not on Western culture model, but on indigenous model. This anti-Western culture modernness is followed by China, Japan, Serbia, Iraq, Iran, Sudan, North Korea, Libya and Cuba, which have preserved their identity despite adopting Western know-how.
कहने का मतलब है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को तो हम अडॉप्ट करें, मगर जो हमारा कल्चर है उसको हम इंटैक्ट रखें, उसको हम डैमेज होने न दें। तो चाइना है, ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, मगर हमारे अपने खुद के कल्चर को वो प्रिजर्व करके रखा हुआ है। सो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी कैन बी यूज, बट वी शुड सेव आर यूथ फ्रॉम बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कल्चर। मेनी इंडियंस, राजा राम मोहन रॉय, हैविंग रिसीव वेस्टर्न एजुकेशन, रिटर्न टू इंडिया, ये पास्ट होना चाहिए, रिटर्न टू इंडिया विद टेक्निकल नॉलेज एंड मेथोडोलॉजीज विच वॉज यूज टू स्ट्रेंथन आर नेशनल सिस्टम्स। So modernization, if carefully planned and rigorously implanted in the consciousness of the masses, could instantly clear up several Western dark spots in our political and economic lives. Fine. So students, ये essay है. I hope आपको ये video अच्छा लगा होगा. Thank you very much.